All right, so today we are going to see what will be the electrostatic potential for a system of charges. हमने अभी तक एक single charge का potential देखा. Then we saw the potential due to dipole, electric dipole की वजह से जो potential generate होगा at a point, हमने वो भी देखा. And उसके लिए हम लोगों ने, if you remember correctly, उसके लिए हम लोगों ने cosine formula use किया था. And now we want to study what will be electric potential due to a system of charges. Okay, so what do I mean by system of charges? I'll come to that very quickly. Just a minute. I just need a minute. Yeah. So what do I mean by system of charges? मान लेते हैं कि हमारे पास एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है. मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज है Q1, चार्ज है यहाँ पे दूसरा चार्ज है Q2, यहाँ पे सम अदर चार्ज Q3 एंड सो ऑन. हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस है और हमें पॉइंट P पे, देयर इज सम पॉइंट P ओवर हियर, इस पॉइंट P पे हम लोगों को पोटेंशियल फाइंड करना है. वी वॉन्ट टू फाइंड आउट वॉट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट P. द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P from Q1 is R1. So let me just draw straight lines over here. So ye jo distance hai, that distance is R1. Second charge ka jo distance hai, that is R2. Third charge ka jo distance hai, that is R3. Nth charge ka jo distance aayega, that is Rn basically. Okay, this is Rn. अब what we know is, देखो P point पे जहां पे potential निकालना है वहां पे कोई charge नहीं है. P point पे जहां पे potential find करना है वहां पे कोई charge नहीं है. हम लोगों को, हमारे पास चार्ज कॉन्फिगरेशन है Q1, Q2, Q3, ऐसे n number of charges at a distance of R1, R2, R3, Rn from that particular point P where we are supposed to find out potential. हमको क्या पता है कि potential at point P due to charge Q1 is given by V1 equal to 1 by 4 pi epsilon Q1 by R1. This is the formula for potential. Potential at point P due to charge 2 is nothing but 1 by 4 pi epsilon Q2 by R2. Due to nth charge is Vn is equal to 1 by 4 pi epsilon Q1 by Rn. राइट तो अगर हम लोग इंडिविजुअली हर एक चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा पी पॉइंट पे अगर वो फाइंड करें, वो फॉर्मूला लिखें, तो दिस इज व्हाट वी गेट v1 v2 v3 vn. अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमको ये बताता है कि टोटल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज जस्ट एडिशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स. ओके, तो दैट इज 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन Q1 by R1 plus 1 by 4 pi epsilon Q2 by R2 and ultimately 1 by 4 pi epsilon Qn by Rn. Therefore, total potential V is equal to 1 by 4 pi epsilon Q1 by R1 plus Q2 by R2 and so on. This is the total potential at that point. और इसको हम लोग लिख सकते हैं V is equal to 1 upon 4 pi epsilon summation I runs from 1 to n Qi by Ri. Right? See, मैंने summation convention में लिखा है. ये है, this is potential due to discrete charge configuration. What is the meaning of discrete charge configuration? एक point charge यहाँ पे, फिर दूसरा यहाँ पे, फिर तीसरा यहाँ पे, मतलब दो पॉइंट चार्जेस के बीच में देयर इज नथिंग. ओके, बट इफ वी हैव कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटीन्यूअस है, तो उस केस में टोटल पोटेंशियल विल बी गिवन बाय 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन. इंटीग्रेशन कर देंगे इंस्टेड ऑफ राइटिंग समेशन, हम लोग वहां पे इंटीग्रेशन करेंगे. राइट, तो यू जस्ट रिप्लेस समेशन बाय इंटीग्रेशन एंड दैट वी शैल सी एज एंड व्हेन नीडेड. फिलहाल हमको जरूरत नहीं है. तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, एक्सट्रीमली सिंपल.
हमारे पास एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें एन नंबर ऑफ चार्जेस है, हमको एक पॉइंट पी पे पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू दिस एन नंबर ऑफ चार्जेस। ओके, सो पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्यू वन इज 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू वन बाय आर वन, एंड देन सेकेंड चार्ज क्यू एस 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू टू बाय आर टू, सो ऑन सो फोर्थ, एंड टोटल चार्ज इज जस्ट द एडिशन ऑफ ऑल द चार्जेस, राइट? सो दैट सिंपल इट इज। सो वील राइट इट डाउन properly, we'll make notes out of it. Just a minute. Yeah, good enough. So वी स्टार्टेड ऑफ विथ सेइंग, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया है, हम लोगों को सिस्टम को डिस्क्राइब करना होता है, तो सिस्टम क्या है पहले वो देख लो, कंसिडर और सिस्टम ऑफ चार्जेस या कंसीडर सिस्टम ऑफ चार्जेस, कौन कौन से चार्जेस है हमारे पास, क्यू वन एनीवेज आई विल जस्ट गो टू नॉर्मल मोड ऑफ राइटिंग, आई डोंट वांट टू डू टाइपिंग बिजनेस हियर, एनीवेज सो consider a system of charges q1 q2 up to qn at distance r1 r2 Rn respectively from point P the potential at point P due to charge q1 is v1 equal to 1/4 pi epsilon q1 by r1। तो ये पहले पहले पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल एट पॉइंट पी है। सिमिलरली पोटेंशियल्स एट point P due to other charges are second charge के वजह से potential जो होगा V2 is equal to 1/4 pi epsilon Q2 by R2, third charge के जो होगा that will be 1/4 pi epsilon Q3 by R3, so on, and for nth charge जो होगा that is going to be for nth charge जो आएगा potential that is going to be Vn is equal to 1/4 pi epsilon Qn by Rn, right? Okay, then by superposition principle, the potential V at point P due to system of charges
इज द अलजेब्राइक सम, मतलब सबका एडिशन ही करना है हम लोगों ने बस। इज द अलजेब्राइक सम ऑफ द पोटेंशियल्स, ऑफ द पोटेंशियल्स ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस, ड्यू टू द इंडिविजुअल, ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस, ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस, देयरफॉर टोटल पोटेंशियल वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू अप टू वी एन, राइट। तो आप ऐड करते जाओगे तो यू विल गेट, इफ यू कीप ऑन एडिंग 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 यू विल गेट वी इज इक्वल टू व्हाट वाज देयर इन लास्ट वेरी, यस वी वन वाज 1/4 pi epsilon, क्यू वन बाय आर वन प्लस वी टू वाज 1/4 pi epsilon, क्यू टू बाय आर टू, so on and until you get, until we have the last term, right? इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, we can take out 1/4 pi epsilon constant, मैं epsilon ही लिखता हूँ, मैं epsilon zero नहीं लिखता हूँ, because I have told you, हमने यहाँ पे कहीं नहीं बोला कि the charges are kept in vacuum या फिर air, क्योंकि अगर चार्जेस किसी और मीडियम में है तो फिर हम लोगों को उस केस में उस मीडियम का परमिटिविटी का वैल्यू, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हो बेसिकली, परमिटिविटी तो सेम ही होता है, बट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का वैल्यू हमको देखना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज जस्ट राइट एप्सिलॉन एंड नॉट एप्सिलॉन जीरो, क्यू वन बाय आर वन प्लस क्यू टू बाय आर टू, क्यू एन बाई आर एन। सो टोटल पोटेंशियल वी इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon समेशन आई रन फ्रॉम 1 to n क्यू आई बाई आर आई। ये आ गया आपका इक्वेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिंपल था राइट। सो दिस इज फॉर डिस्क्रीट चार्ज कॉन्फिगरेशन। जब कंटिन्यूस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन होगा तो आप लोग सिर्फ यू विल जस्ट रिप्लेस समेशन बाय इंटीग्रेशन, दैट्स इट। ओके ऑल राइट देन लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस क्वेश्चन, क्योंकि हम लोगों को कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं आज। We want to solve some numericals today, so we will go to solve numericals. Okay, we'll start from this point. Yeah. Just a minute. Okay, so we are going to do example 8.5. 8.5 easy question है। If 120 joule of work is done in carrying a charge of 6 coulomb from a place where the potential is 10 volt to another place where the potential is V, find V। easy है, आपको अगर याद होगा मैंने आपको बताया था work done is equal to potential into charge, right? Correct? लेकिन इस केस में हम लोग चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट पे रख रहे थे और उस पॉइंट पे पोटेंशियल था V, right? If you remember, we were bringing a charge, यहाँ पे एक प्लस Q चार्ज था ओरिजिन पे, right? और हम लोग एक चार्ज को, 1 coulomb चार्ज को हम लोग ला के पोटेंशियल डिफाइन किया था, तो उससे पहले पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन किया था। तो ये Q1 चार्ज है, हम लोग Q2 चार्ज हमको ला के A पॉइंट पे रखना है। हम इस केस में ये जो डिस्टेंस है इसको हमने R बोला था, और जहाँ से हम लोग चार्ज ला रहे हैं
उसको हम लोगों ने इन्फिनिटी सेट किया था, अगर याद होगा इसको आर टू इक्वल टू आर बोला था, और जहाँ से चार्ज ला रहे हैं हमने उस केस में आर वन को इन्फिनिटी सेट किया था, इसलिए पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज ज़ीरो। तो हम लोग वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज लिखते हैं, बट इन रियलिटी इफ यू आर मूविंग अ चार्ज थ्रू फाइनाइट डिस्टेंस, अगर आप चार्ज को एक ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ले जा रहे हो, तो वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज पोटेंशियल डिफरेंस इन टू चार्ज। वॉट इज पोटेंशियल डिफरेंस? दैट इज पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए इन टू चार्ज। तो ये हो गया वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए इन टू क्यू। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी विल बी नीडिंग, दैट वी विल रिक्वायर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो आई विल स्टार्ट and write in a proper way. So, what we have been given is, हमको बोला है the work done to move a charge from A to B is equal to 120 joule. Okay, and the charge that we are carrying is 6 coulomb, right? कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? ए से बी तक, और उन्होंने बोला है फ्रॉम अ प्लेस वेयर द पोटेंशियल इज 10 वोल्ट टू अनदर प्लेस, मतलब पोटेंशियल एट ए इज 10 वोल्ट, वी आर सपोज टू फाइंड आउट पोटेंशियल एट बी, राइट? दैट इज वी, उन्होंने बोला है इसको वी ये फाइंड करना है। फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे? इजी है फॉर्मूला दैट वी विल नीड टू सॉल्व दिस question is, as I just told you, work done from A to B is nothing but difference in potential at point B and point A multiplied with the charge that we are moving. So we just wanted to find out what is VB. So easy hai, VB minus VA is equal to work done from A to B upon charge. VB is V minus VA is 10. Work done is 120, the charge that you are moving is 6, 1 za and 20 za, so that is 30 volt. So the value of potential at B is 30 volt. Ho gaya question solve. So it was very simple question, 30 volt humko mil gaya answer. Right, so this kind of questions are really simple. 8.6. A wire is bent in a circle of radius 10 cm. It is given a charge of 250 microcoulomb, which spreads on it uniformly. What is the electric potential at its center? Bahut easy hai. Extremely simple question. Wire is bent in the form of circle. Main draw kar raha hu, but we actually don't need it. We don't need it, but main sirf draw kar raha hu yahan pe. So what they have done is this. Just a minute. Anyways, ये सर्कल बना दिया वायर का, उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है. सो इन गिवन क्वांटिटी व्हाट वी हैव इन गिवन इज रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10 पावर माइनस 1 मीटर. देन the charge is 250 microcoulomb, that is 250 into 10 power minus 6 coulomb, right? Good. Isse humko kya mil sakta hai? What we can find from here is actually potential at the center. Ye humko find karna hai, okay? Let me just write it down what we are supposed to find. We are supposed to find potential at center O. Humko pata hona chahiye, how do we find out potential at the center? Very simple task. By symmetry,
आपको पता होना चाहिए, द पोटेंशियल इटसेल्फ एट द सेंटर इज गिवन बाय फॉर्मूला 1/4 pi epsilon 0 चार्ज अपॉन आर, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला ये है। वेरी सिंपल टास्क, हमें क्यू दिया है, हमें आर दिया है, हमको फाइंड करना है पोटेंशियल, और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, 1/4 pi epsilon 0 q/r। प्रॉब्लम क्या होता है कि स्टूडेंट्स दे गेट कंफ्यूज, क्योंकि बोला है कि इसको हम लोगों ने वायर को सर्कल बना दिया। यू नीड टू रिमेम्बर, जब हम लोगों ने गॉस लॉ अप्लाई किया था स्फेरिकल शेल के लिए, राइट, तो व्हाट वी सेड वाज, फॉर स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर इज सेम एज दैट फॉर अ पॉइंट चार्ज। तो पोटेंशियल के केस में द पोटेंशियल इनसाइड, इनसाइड बोल रहा हूँ, इनसाइड द पोटेंशियल इनसाइड अ स्फेरिकल शेल और रिंग इज सेम एज दैट ऑफ अ पोटेंशियल फॉर अ पॉइंट चार्ज। अगर सर्कल है या रिंग है या स्फेरिकल शेल है तो पोटेंशियल इज बेसिकली सेम एज दैट फॉर अ पॉइंट चार्ज। सो 1/4 pi epsilon 0 की वैल्यू पता है आपको, 9 × 10⁻¹। चार्ज की वैल्यू पता है आपको, 250 μC अपॉन, आर की वैल्यू दी है 10⁻¹। तो यह आ जाएगा 10⁻¹० और -6, मतलब यू हैव टू जस्ट सॉल्व दिस, इजी है। 10⁻¹ और एक ये 11 और 10, -6, 10⁻+5 बचेगा। देखो नहीं, ऊपर 9 है, ये 10 हो गया, ये नीचे का ऊपर जाएगा तो 11 हो गया, और -6 हो गया तो 10⁵ बचेगा। तो ये 25 9 मुझे पता है, 25 9 इजी, 250 - 25 = 225। So 225 × 10⁵ volt is the answer. The potential at the center is this much. Simple, extremely simple. Next question. A short electric dipole has dipole moment of 1 × 10⁻¹⁹ coulomb meter. So what is given to us is dipole moment, मतलब P की value दी है, और आपको मैंने बताया था P is nothing but, if you remember, charge into distance between the two equal and opposite charges. Dipole किससे बनता है? Dipole बनता है equal and opposite charges से, correct? Q plus Q minus Q से बनता है, okay? तो you have been given the value of P, which is Q into 2L. तो कूलम और मीटर बराबर है, तो what I am saying is correct. तो 10⁻¹ कूलम मीटर का डायपोल मोमेंट है। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.3 meter फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू द डाइपोल एट अ पॉइंट डिस्टेंस, जिसका 0.3 meter दिया है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। आपको याद होगा, आपको याद होगा, नहीं याद होता तो बता देता हूं मैं आपको, माइनस क्यू या फिर प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज डाइपोल के सेंटर से, वो जो डिस्टेंस था पॉइंट सी जो भी था, ओके, तो इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं आर। You need to remember this, right? Distance R था, ये आपको याद होना चाहिए। हमको दो केसेस पूछे हैं। You are supposed to find out potential one, तीन केसेस है, on the axial line, दूसरा on the equatorial line, तीसरा on the line making angle of 60 degree। मतलब case one on the axial line, मतलब ये dipole है आपका और ये axial line है, समवेयर ओवर हियर ए पॉइंट। इक्वेटोरियल लाइन मतलब बी पॉइंट पे फाइंड करना है, तीसरा 60 डिग्री पे, राइट, विद द डायपोल एक्सिस। सो देन द थर्ड केस इज दैट द एंगल इज 60 डिग्री एंड दिस पॉइंट सी। तो इन तीन पॉइंट पे आपको बेसिकली पोटेंशियल फाइंड करना है। तो व्हाट आई विल डू इज,
मैं पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला लिख दूंगा. इफ यू रिमेम्बर, जनरल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल वॉज इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा. इफ यू रिमेम्बर, हमने डिराइव किया था वी इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0 पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वेयर, राइट. ये हमने डिराइव किया था. सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला वन बाय वन. पहला ऑन द एक्सियल लाइन, एंड व्हाट वी नो इज ऑन द एक्सियल लाइन, व्हाट वी नो इज थीटा इज नथिंग बट जीरो. देयरफॉर कॉस जीरो इज वन, एंड देयरफॉर वी इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0 पी बाय आर स्क्वायर. 1/4 pi epsilon 0 इज 9×10^9. P की वैल्यू आपको दी है 10^-9. और R, ये जो R पॉइंट है तीनों केसेस में 0.3 meter है, तो डिवाइडेड बाय 0.3 meter मतलब 9×10^-2 meter. ये और ये कैंसल 10^-2, ऊपर जाके 10^+2 हो जाएगा, मतलब 100 volt. तो पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन इज 100 volt. केस टू, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन हमेशा जीरो ही होता है. ऑन द इक्वेटोरियल लाइन वी इज ऑलवेज जीरो. हमने ऑलरेडी ये किया है, क्योंकि कॉस ऑफ 90 degree, थीटा 90 बनता है ना, सिंस थीटा इज 90 एंड कॉस 90 इज जीरो. ये ज्यादा दिन नहीं हुए, मैंने कल सैटरडे के दिन ही बताया था आपको कि इक्वेटोरियल लाइन पे हमेशा जीरो होता है. And if I don't remember, yes. Special cases discuss करना बाकी था हमारा. कोई नहीं, हम next lecture में continue कर लेंगे. Special cases मतलब equatorial line पे discuss हुआ था, just in the form of notes बाकी था हमारा. So we have discussed what happens to the potential due to a dipole on the equatorial line and on the equatorial line and on the axial line. वो I will add it in the next lecture, tomorrow's session. So it's okay, but concept पता है, formula पता है, यहाँ तक तो पता है at least. So that two special cases we will discuss. Right, good. Then third case, theta is equal to 60 degree, and what we know is cos 60 is half. Therefore potential V is 1/4 pi epsilon 0 P cos of 60 degree by R square. This is 9×10^9. P की वैल्यू जो है वो 10^-9 है. Cos 60 जो आया हमारा हाफ आया. R की वैल्यू 9×10^-2 है. 9 कैंसल, ये भी कैंसल. 100/2 is 50 volt. So 50 volt is the answer. So this is how you are going to solve this question. बहुत easy है. What you need to remember is, आपको सिर्फ पता होना चाहिए formula for potential due to electric dipole, general formula. What I am saying is this particular formula you need to remember. आपको ये याद होना चाहिए, that's it. क्योंकि बाद में फिर equatorial line है तो angle हमको पता है. For equatorial line angle is zero. For for axial line angle is zero. For equatorial line angle is 90 degree. तो theta equal to 90 आएगा for equatorial line and theta equal to zero आएगा for axial line. एक्सिस क्या होता है डायपोल का, पहले तो वो पता होना चाहिए. एंड देन इफ यू पुट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, यू कैन जस्ट गेट कॉस 60 एज हाफ एंड यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. एक्सट्रीमली सिंपल. नेक्स्ट एग्जांपल 8.8. टू चार्जेस 5×10^-8 and -10^-8 are located 16 cm apart. You have, let us say Q1 charge jo hai, that is 5×10^-8. Q2 charge jo hai, that is -3×10^-8. Aur R jo hai, that is 16 cm, the distance between these two charges, right? So something like this, situation is something like this. This is Q1, this is Q2, and the distance between Q1 and Q2 is R.
एट वॉट पॉइंट और पॉइंट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, मतलब ये जो लाइन ज्वाइन कर रहा है दो चार्जेस को, यहाँ पे लेट अस से पी पॉइंट है, इस पे पोटेंशियल जीरो है, राइट right? तो उन्होंने पूछा है एट वॉट पॉइंट, मतलब दे आर आस्किंग यू एट वॉट डिस्टेंस बेसिकली. ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, आई विल जस्ट मार्क दिस पॉइंट बाई पी. मैं मान लेता हूँ पी पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है. ओके, टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो, दैट इज फाइन. ऑल राइट, सो हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? आई विल से ये जो पॉइंट पी है, इसका डिस्टेंस चार्ज क्यू वन से एक्स है, राइट right? तो क्यू टू से आ गया आर माइनस एक्स. सो वी विल स्टार्ट बाय सेइंग लेट द पोटेंशियल एट पॉइंट पी बी जीरो, लेट द पोटेंशियल बी जीरो एट पॉइंट पी, राइट, विच इज एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम चार्ज क्यू वन. ओके, सिंपल, राइट, गुड. Therefore, the distance of this point P from Q2 is R minus X, that is 0.16 minus X, क्योंकि 16 सेंटीमीटर मतलब 0.16 मीटर होता है, करेक्ट. गुड, देन पोटेंशियल जीरो का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्यू वन प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्यू टू इज जीरो, राइट. पोटेंशियल एट पॉइंट पी जीरो मीन्स the addition of or the resultant potential, the sum of potentials due to charges Q1 and Q2 is zero, right? Therefore, V1 plus V2 is equal to zero. But what is V1? 1 upon 4 pi epsilon 0, right? Q1, capital Q1, by distance x, plus 1 by 4 pi epsilon 0, wo common nikal liya maine. Q2 by 0.16 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो. अभी ये 4 पाई से 0 को वहां पे शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड, तो वो भी जीरो हो गया. तो व्हाट आई विल हैव इज q1 बाय x प्लस q2 बाय 0.16 माइनस x इक्वल टू जीरो, व्हिच मींस q1 की वैल्यू यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q1, दिया है हमको वहां पे 5 इंटू 10 पावर माइनस 8 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यू टू. क्यू टू हमको पता है माइनस 3 इंटू 10 पावर माइनस 8 अपॉन 0.16 माइनस एक्स. तो ये आ जाएगा आपका 5 बाय 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 3 शिफ्ट कर दिया, एंड देन 10 पावर माइनस 8 कैंसल आउट हो गया, is equal to x upon 0.16 minus x. Then you have to just solve this. इसको सिर्फ आपको सॉल्व करना पड़ेगा.
एंड वंस यू सॉल्व इट यू गेट द रिक्वायर्ड आंसर. सो 5 × 0.16 − x = 3x. So what I have done is just cross multiplying and that's it. So 0.16 × 5. As simple. 16 × 5 = 80 होता है. तो 0.16 × 5 that will be 0.8. Right? Good. So −5x = 3x. तो ये आपका आवाज आ गया 8x = 0.8. तो x = 0.1 meter, मतलब x = 10 centimeter. तो पॉइंट P जो है ये चार्ज Q1 से 10 सेंटीमीटर पे है. Q1 से 10 सेंटीमीटर पे मतलब Q2 से 6 सेंटीमीटर पे हुआ ये चार्ज. राइट. तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस. राइट. गुड. दिस इज पॉसिबिलिटी 1. ये पहला पॉसिबिलिटी है. यू मे ऑल्सो हैव अनदर पॉसिबिलिटी. x = 40 पे भी हो सकता है क्यू. तो दिस वॉज केस 1. या फिर पॉसिबिलिटी 1. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे जो चार्ज था, कौन सा चार्ज था हमारे पास, सॉरी जो पॉइंट था, कौन सा पॉइंट था? पी पॉइंट. वो पी पॉइंट हमने कहाँ लेके रखा है? वो पी पॉइंट हमने चार्ज Q1 और Q2 के बीच में लेके रखा है. राइट. हैव दे सेड, उन्होंने ऐसा बोला है क्या क्वेश्चन में कि ये जो पॉइंट है ये चार्ज Q1 और Q2 के बीच में ही लाए करेगा? सी यू हैव टू अंडरस्टैंड बेसिक थिंग. उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है? एट वॉट पॉइंट और पॉइंट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो. राइट. तो जरूरी नहीं है ना कि ये जो पॉइंट पी है ये चार्ज Q1 और Q2 के बीच में ही हो. इट्स नॉट रिक्वायर्ड. यू कैन हैव दैट पॉइंट समवेयर एल्स ऑल्सो. सो यू कैन हैव अनदर पॉसिबिलिटी. यू कैन हैव charge Q1 here, charge Q2 here, and you can have this point P. So, ye distance tha R basically. Okay, so you may have this distance as X on the other side of Q2, right? So, us point ka distance from charge Q1 is R plus X. ये भी possible है. Right? So in this possibility you can solve this question now and you find out what is the value of X. Therefore again V1 plus V2 is equal to 0. Again what is V1? 1/4πε₀. Charge Q1 upon distance of that point P from charge Q1 is R plus X. R is 0.16 meter plus charge Q2 upon X equal to 0. वापस से वही लिखेंगे हम लोग. Q1 आपको पता है what was the value of Q1? 5 × 10⁻¹⁸. Okay, 0.16 plus X and this is −3 × 10⁻¹⁸ upon X equal to 0. Therefore आप करोगे 5 × 10⁻¹⁸ upon 0.16 plus X equal to 3 × 10⁻¹⁸ upon X. Cancel and cancel. Therefore, you will have simple thing. 5X is equal to 0.48 plus 3X. So you will have 2X is equal to 0.48. So therefore, you will have X is equal to 0.24, right? Correct? Okay.
तो दिस इज नॉट करेक्ट. व्हाई नॉट करेक्ट? द डिस्टेंस एक्स इज टर्निंग आउट टू बी 0.24, राइट? सो दिस इज एक्चुअली करेक्ट, बट दिस इज नॉट द एंड आंसर, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. तो आपको मिल गया x इज इक्वल टू 0.24 मीटर, देयर फोर x इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. देयर फोर पॉइंट पी एट विच द पोटेंशियल इज जीरो लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 प्लस 24, that is equal to 40 centimeter from charge Q1, right? So charge Q1 से वो जो है 40 centimeter पे, so that is what we should write. Okay, मैं वापस बता रहा हूँ, ये question easy है. हमारे पास दो charges है, दोनों charges को एक line join कर रही है. उस line पे एक x ज़्यादा point होगा जहाँ पे द पोटेंशियल विल बी जीरो. तो हमने पहले वो पॉइंट दोनों चार्जेस के बिटवीन लिया है, मान लिया कि क्यू वन चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे है, राइट? तो फिर हम लोगों ने बोला वी वन प्लस वी टू इक्वल टू जीरो, पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स ड्यू टू चार्ज क्यू वन इज 1/4π0 क्यू वन बाई एक्स, एंड ड्यू टू चार्ज क्यू टू इज 1/4π0 क्यू टू बाई आर माइनस एक्स, आर इज 0.16 मीटर. सॉल्व किया, हमको मिल गया x की वैल्यू. तो चार्ज Q1 से 10 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल जीरो है, 10 सेंटीमीटर पे. पर और एक पॉसिबिलिटी था कि आई कैन टेक दिस x ऑन द लाइन जॉइनिंग Q1 Q2, बट बियॉन्ड Q2 के बाद मैं x ले सकता हूँ. फिर हमको x की वैल्यू मिल गई यहाँ पे 24 सेंटीमीटर. लेकिन इस केस में द डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज Q1 इज आर प्लस एक्स, क्योंकि पहले केस में हमने वो पॉइंट जहां पे पोटेंशियल जीरो है उसका डिस्टेंस Q1 से निकाला, तो यहां पे भी Q1 से निकालना पड़ेगा ना. तो आर प्लस एक्स, 16 प्लस 24 दैट इज 40 सेंटीमीटर. तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट? तो इट वॉज नथिंग, द क्वेश्चन वॉज सिंपल, बट यू जस्ट हैव टू पे अटेंशन. ओके, सो this marks the end of today's session. We will continue with, first of all I will discuss those two special cases of electric dipole. Wo reh gaya hamara do cases, matlab sirf likhna reh gaya hai, to wo hum log usme add kar lenge kal, and then we'll go ahead with discussing what are equipotential surfaces and further topics.